बढ़ती गर्मी और पारे के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट का मामला भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। भाजपा ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी नेता रमेश बिधूरी ने छतरपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पानी के संकट के विरोध में मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ घुसाए लोगों ने छतरपुर में स्थित दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में मटका फेंक कर तोड़ फोड़ और अपना विरोध दर्ज कराया। देखो, हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 एमजीडी पानी था, आज भी 950 से 1000 एमजीडी पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या, रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी एमजीडी का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 एमजीडी का था, ओखले में 100 एमजीडी का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 एमजीडी, 1300 एमजीडी अब दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव पेश करने के लिए केजरीवाल दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया, वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हजार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है, 70 हजार करोड़ के घाटे में जल बोर्ड है। इसके लिए भी आती सी बता देना के सीएजी बार बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए, क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया। इसीलिए टैंकरों की संख्या बढ़कर आज 300 हो गई है, घोटाले में टैंकर जाते हैं गलियों में, 500-500 हजार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टैंकर बेचते हैं। ट्यूबवेल जो लगती है संगम विहार में जाकर देखिए, विधायक जहां ट्यूबवेल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-10-20 हजार रुपए, 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तब वो ट्यूबवेल लगती है, जो लोग 10 हजार रुपए देते हैं ट्यूबवेल उनके काबू में आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हमने आज मांग रखी है। आतिशी जो है जल मंत्री, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आतिशी से पूछना चाहता हूँ, पिछले एक महीने में क्या किया आपने, पिछले दो महीने में क्या किया आपने? क्या मालूम नहीं है गर्मी आएगी दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ेगी, कूलरों में पानी ज्यादा वेस्ट होगा, व्यक्ति गर्मी में दो बार नहाने की कोशिश करता है, व्यक्ति 10 गुना ज्यादा पानी पीता है गर्मी के अंदर, क्या भेजा नहीं है इनके अंदर? क्या किया दो महीने में? केवल नौटंकी करते रहे, कभी जेल में जाना, कभी केजरीवाल को बाहर लाना, कभी केजरीवाल को लेकर घूमना, कभी उसकी पत्नी को लेकर घूमना। ये 78 हजार करोड़ रुपया का फंड है दिल्ली का, ये दिल्ली वालियों का, दिल्ली वासियों का पैसा है, आपके इनके किसी बपोती का पैसा तो है नहीं। वो तो उस पैसे को अगर जल बोर्ड का ऑडिट कराया होता, कितना पैसा, 50% लीकेज है आज दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, पाइपों के अंदर पाइप फटे पड़े हैं, 50% पानी लीकेज में चला जाता है, क्योंकि जल बोर्ड के अधिकारियों के पास वो व्यवस्था सिस्टम ही नहीं है। नए पाइप, पुराने पाइप गल गए, उनको बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया 10 साल में, इसके कारण ये हाहाकार मच रहा है। आज पब्लिक ने पूरा शीशा तोड़ दिया है, स्वाभाविक है, जब पब्लिक गुस्से में होगी तो पब्लिक तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आके लोगों को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति भी हमारी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, इसको नुकसान करने का कोई लाभ नहीं है और न इसको नुकसान करने से कुछ हासिल होने वाला है। तो मैं लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि भविष्य में फिर विरोध तो प्रकट करें लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर, लेकिन ऐसा जिससे जनता का नुकसान हो, पब्लिक का नुकसान हो। अब ये सीधे जल बोर्ड के पैसे से आएंगे, इतने पैसे में एक और टैंकर खरीदा जा सकता था जी, तो इसीलिए ये ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हिंसा की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के 3 हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बैराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? तो ये है षड्यंत्र का पहला कदम। षड्यंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी
दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है, जो मेन पाइपलाइंस हैं, क्योंकि कल पानी की पाइपलाइन को, साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना, और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई हफ्तों से बढ़ते तापमान के कारण पानी की भारी कमी हो गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।